बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं जतन भार्गव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कार के टायर के बारे में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं सबसे बेस्ट टायर आपकी कार के लिए, आपकी बाइक के लिए सबसे बेस्ट टायर कौन सा है। दोस्तों, कौन सी कंपनी का सबसे बेस्ट टायर है जिसको डलवाने के बाद आप बेफिक्र हो सकते हैं। दोस्तों, एक बार केवल आपको पैसा लगाना है और उसकी बहुत अच्छी लाइफ देगा। दोस्तों, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं 12 साल से टेक्निकल काम कर रहा हूँ, टेक्निकल मैकेनिक हूँ, कार मैकेनिक हूँ। और मेरे एक्सपीरियंस मैंने देखा हुआ है कि सबसे अच्छा टायर, बेस्ट टायर कौन सा आता है। हर कंडीशन के टायर हमारे पास आते हैं, हर कंडीशन की गाड़ियाँ आती हैं। 80,000, 1,00,000, 40,000, 20,000, हर कंडीशन की सर्विस हमारे पास आती रहती है। और गाड़ियों के टायर के मेजरमेंट हम करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन सी कंपनी की टायर में क्या फॉल्ट आ रहा है। दोस्तों, तो आपको हमसे अच्छी जानकारी कोई नहीं दे पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं केवल टायर के बारे में, कौन सा सबसे बेस्ट टायर है दोस्तों, कौन सा टायर आपको डलवाना चाहिए और कौन सा टायर आपको नहीं डलवाना चाहिए। तो इसमें दोस्तों तीन कैटेगरी हैं जिनमें कि टायर आते हैं। सबसे बेस्ट कैटेगरी के बारे में हम बात करेंगे, फिर सेकंड कैटेगरी की बात करेंगे और थर्ड कैटेगरी के बारे में बताएंगे आपको। थर्ड कैटेगरी आपको चूज नहीं करनी है दोस्तों। तो सो गाइस, चार्ट के माध्यम से आपको कुछ समझाते हैं, हमने बना रखा है। सो गाइस, हमारा ये मिचलिन का जो टायर है, नंबर वन क्वालिटी का टायर है दोस्तों। मिचलिन और ब्रेडस्टोन, दोस्तों ये दोनों टायर हमारे नंबर वन क्वालिटी के हैं। हमको यही दोनों में से एक टायर डलाना है दोस्तों। इन टायरों की बहुत ही अच्छी लाइफ है दोस्तों, बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी की रबड़ कंपनी ने इसमें यूज़ किए दोस्तों। मिचलिन और ब्रेडस्टोन नंबर वन क्वालिटी के टायर हैं दोस्तों। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको यही डलाना चाहिए दोस्तों। आज तक हमारे 12 साल हो गए हैं हमें ये मैकेनिकल जॉब करते हुए, आज तक मिचलिन और ब्रेडस्टोन टायर में हमने कोई भी कमी नहीं पाई है दोस्तों। ये कहीं से नहीं फूलता है, ना कहीं से इसमें कट लगा हुआ होता है और ना कहीं से फूलता है, ना कभी बल्जी होता है, ना कभी इसमें एनीवन वियर्ड घिसावट आती है दोस्तों। सबसे बेस्ट कंपनी के टायर मिचलिन और ब्राइट स्टोन नंबर वन में आते हैं। मिचलिन और ब्राइट स्टोन दोस्तों ये थोड़े महंगे ज़रूर हैं, मगर बहुत बेहतर क्वालिटी के टायर हैं। अच्छी गारंटी के साथ, ये अच्छी गारंटी के साथ आपको मिलेंगे दोस्तों। 3 से 5 ईयर की गारंटी होगी। पहली बात दोस्तों, ये टायर डलाने के बाद आपको कोई शिकायत मिलेगी ही नहीं। अगर बाई चांस हज़ारों में एक आध टायर में अगर कोई आपको शिकायत आती भी है, तो गारंटी तुरंत उसको कंपनी उसको वापस कर देगी, दुकान आपको वापस कर देगी दोस्तों, और नया टायर आपको उसके बदले में दे देगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी लाइफ है दोस्तों मिचलिन और ब्रेडस्टोन टायर की दोस्तों। यही टायर आपको डलवाने हैं हमेशा। और दोस्तों दूसरे टायर की बात करेंगे हम, तो ये टायर हमारे मिचलिन सो गाइस, मिचलिन और ब्रेडस्टोन टायर हमारे लगभग 40 से 45 हज़ार किलोमीटर आराम से चल जाते हैं, इस पर ज़्यादा ही चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सेकेंड कैटेगरी के टायर जो हमारे आते हैं, इसमें आता है सेकेंड कैटेगरी में अपोलो हो गए, MRF हो गए दोस्तों, और सीएट। तो दोस्तों, सेकंड कैटेगरी की टायर भी आप डलवा सकते हैं। अगर फर्स्ट नहीं डलवा पा रहे हैं, आपको महंगा लग रहा है, तो सेकंड वाला भी डलवा सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से दोस्तों, आज फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी में दोनों में फर्स्ट भी डलवाएं। अगर नहीं डला पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपोलो डला सकते हैं, सीट MRF दोस्तों डला सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के टायर हैं, मगर ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। इनकी भी लाइफ दोस्तों 30,000 से 35,000 किलोमीटर तक ये आराम से चलेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है दोस्तों। और दोस्तों, बात करते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि थर्ड क्वालिटी के टायर भी आते हैं दोस्तों। गुडियर आते हैं, JK आते हैं, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके लोकल टायर आते हैं दोस्तों। उनको आपको नहीं डलाना है दोस्तों। ये टायर बिल्कुल बेकार क्वालिटी के होते हैं, सबसे ख़राब ग्रिप रबड़ का यूज करती है कंपनी दोस्तों। इन टायरों को हमें नहीं डलाना चाहिए। हमने इन गाड़ियों में बहुत ही गुडियर और JK वगैरह के टायरों में बल्जी की प्रॉब्लम बहुत होती है, टायर बहुत जल्दी फूल जाता है दोस्तों, कट लग जाता है बहुत आसानी से। थोड़ी सी कट लगा तो टायर फट जाता है दोस्तों, टायर तुरंत फूल जाता है। और बहुत सारे फॉल्ट हमने देखा है, टायर 10,000 में घिस जाता है, 8,000 में घिस जाता है दोस्तों, बहुत ख़राब तरीके से। तो आपको गुडियर, JK और अदर कंपनियों के टायर नहीं डलाने हैं दोस्तों। इनकी लाइफ बहुत ही कम होती है, 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार में ही आपके ख़राब हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो, आज का वीडियो है केवल टायर के बारे में था दोस्तों। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और ऑल बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारा नया आने वाला वीडियो दोस्तों सबसे जल्द आप देख सकें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।